तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन। जी हाँ, डेटा वैलिडेशन हम बात करेंगे कि किसी कॉलम में या किसी सेल में हम जो एंट्री करते हैं तो हम वैलिडेट करें, हम वैलिडेट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए वगैरह। ओके, जैसे मेरे पास यहां अमाउंट का कॉलन है और मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसमें जब एंट्री करे तो आपका डेसिमल में ना डाले, मतलब नंबर्स जो भी डालना है नंबर्स में डालें, डेसिमल में ना डालें। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, डेटा मेनू बार के अंदर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ पे देखिए होल नंबर दिख रहा है, इस होल नंबर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप अपना कंडीशन दे दीजिए, जैसे मुझे लाना है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हमने जीरो कर दिया एंड ओके। अब इसमें हम जैसे ही कुछ नंबर डालते हैं तो ठीक है, अगर नंबर को हमने टेक्स्ट में डाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, नंबर माइनस में डाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, डेसिमल नहीं डाला एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीज हम यहाँ पे किए, तो इसी तरह से आप यहाँ जो है होल नंबर के बाद डेसिमल, कि डेसिमल में चाहिए लिस्ट, जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट है सिटी की ही मान लीजिए, तो हमें पास सिटी लिस्ट है, हम चाहते हैं कि वो लिस्ट के अलावा कोई और एंट्री ना हो, चाहे जो भी लिस्ट हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सिटी में हमारा दिल्ली है, कॉमा पुणे है, कॉमा पटना है, इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ देखिए सिर्फ यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं टाइप नहीं करना चाहता, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट पड़ा है किसी एक्सेल सीट में, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसी को चाहता हूँ, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आप डेटा वैलिडेशन के अंदर में एक लिस्ट को कैरी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ तक और आप देखेंगे कि ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से जो करना है कर लीजिए सिटी में, तो लिस्ट भी आप ले सकते हैं। लिस्ट के अलावा और क्या क्या है इसमें देख लीजिए, इसमें डेट है, कोई पर्टिकुलर डेट टाइम दे सकते हैं, टेक्स्ट लेंथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया और मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ हम टेक्स्ट लेंथ पे आते हैं और यहाँ इक्वल टू हम 10 कर देते हैं। अब ऐसा करने पे जैसे कोई नंबर यहाँ पे लिखेगा कम तो ये आपको एरर देगा, 10 डिजिट ही लेगा। अब ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है एरर्स में, जब एरर्स यहाँ पे डल रही है, एंटर मार रहे हैं तो ले रहा है, लेकिन जो एरर शो कर रहा है, अब जो डेटा वैलिडेशन को जानता है वो तो बता देगा कि हाँ इसमें डिजिट्स हमने डेटा वैलिडेशन लगा है, इसमें हमने डिजिट को कम और ज़्यादा किया हुआ है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हो या कि एक्सेल से उतना फैमिलियर नहीं है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी समझना। तो मैं यहाँ चाहता हूँ अपना खुद का मैसेज, जी हाँ मैं यहाँ चाहता हूँ खुद का मैसेज, तो कैसे करें खुद का मैसेज, तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। तो हमने जो सेटिंग वाले पार्ट को भी पढ़ा है, इसके बगल में यहाँ पे इनपुट मैसेज का पार्ट आता है, इनपुट मैसेज, तो इनपुट मैसेज का पार्ट में जाके हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। इनपुट है और एक एरर अलर्ट, आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं, तो इनपुट हो गया और एरर अलर्ट हो गया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट में एंटर मोबाइल नंबर ओनली, अब ये जो लिखा ना सर
तो ये आपको एरर के समय नहीं आएगा, ये आपके एरर के समय नहीं आएगा। ये जब कर्सर रखेंगे, जैसे आप लोग इंसर्ट कमेंट करते हैं, तो इंसर्ट कमेंट में जो आपका मैसेज कब शो होता है, जब आपका माउस पॉइंटर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी इनपुट वॉइस मैसेज की, तो जब कर्सर रखेंगे ना तब यहां दिखेगा। इसके बाद भी कोई गलती करता है तो आप डेटा वैलिडेशन के अलर्ट वाले पार्ट में जाएं और यहाँ पे अपना अलर्ट दे दें कि रॉन्ग मोबाइल नंबर। अब मैं यहाँ पे प्लीज, ये टाइटल हो गया, प्लीज चेक नंबर एंड री एंटर, हमने यहाँ पे लिख दिया एंड ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई डाल के ऐसे करेगा तो देखिए यहाँ पे सिंपल आ रहा है री एंटर। क्या सर आ रहा है सर? अब यहाँ एक चीज और भी है, जब हम करते हैं डेटा वैलिडेशन में तो यहाँ स्टाइल है, जैसे स्टॉप मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं एक्सेप्ट करेगा, मतलब कि आपको एंट्री करनी ही होगी, सही करेक्ट कंडीशन फोर्टी के अकॉर्डिंग, इसके अलावा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे आता है वार्निंग, तो वार्निंग में आपके पास यस एंड नो का ऑप्शन आएगा। देखिए ये देखिए चेंज हो गया, अब यस कर देंगे तो एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा, नो करेंगे तो नहीं करेगा। और तीसरा आता है इंफॉर्मेशन, इट जस्ट आपको इन्फॉर्म करेगा, ओके कर दीजिए, ओके जस्ट इन्फॉर्म करेगा। तो तीन लेवल है कि आप किस कौन सा लेवल का आप कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो ये तो होगी बाकी चीजें, मैंने बेसिक चीजें, अब बात करते हैं इसके अंदर की ट्रिक्स की। सबसे पहले कस्टम, हम अपने हिसाब से अपना फॉर्मूला उसके अंदर कैसे डालें। जैसे यहां मैं अकाउंट नंबर लिख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अकाउंट नंबर इसमें डुप्लीकेट एंट्री ना करूं। तो आपको याद होगा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर एक फॉर्मूले लगाए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट डुप्लीकेट किया, तो हाईलाइट करता है ना, मैं चाहता हूं कि एंट्री एक्सेप्ट ना करें, हमें हाईलाइट नहीं करना है, हमें एंट्री ही एक्सेप्ट नहीं करनी है, कोई पर्सन एंट्री ही एक्सेप्ट ना करे। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहां एक सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे और हम डेटा वैलिडेशन के अंदर भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। जी हाँ, यहां एन कस्टम लिस्ट आपको देख रहा है, अब यहां पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला काउंट इफ। जी हाँ काउंट इफ, क्योंकि कितना बार है वो तो काउंट इफ ही बताएगा ना। पूरा कॉलम ए ले लिया और कॉमा ए टू ले लिया और हमने बोला कि अगर ये ग्रेटर देन वन, अब वन क्यों करें, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग तभी चलता है जब एक बार एंट्री हो जाती है, एक बार एंट्री होने के बाद ही कंडीशन फॉर्मेटिंग आपका वर्क करता है। तो ये हमने ग्रेटर देन वन इसलिए लिया। अब यहां पे हम जस्ट ओके कर रहे हैं, ओके करने के बाद आप यहां पे देखेंगे तो कोई एंट्री नहीं कर पा रहा। एक मिनट दोबारा आते हैं, काउंट इफ ए बाई ए और यहां पे ए, नहीं हमने गलत कर दिया, ग्रेटर वन इक्वल टू वन होना चाहिए। और फिर इसको कॉपी कीजिए, और एक चीज मैंने आपको पेस्ट स्पेशल में नहीं पढ़ाई थी, वो था डेटा वैलिडेशन। तो हम वैलिडेशन को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ वन लिख रहा हूँ तो ठीक है, नीचे जैसे वन लिखूंगा एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब डुप्लीकेट एंट्री यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगी, सिंपल से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्री हम यहां नहीं कर पा रहे,
इस तरह की चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं कस्टम में जाकर। दूसरा आता है यहाँ पे, मान लीजिए मुझे दो सिटी है, एक है हमारा नोएडा और दूसरा है दिल्ली, दो सिटी, और इन सिटी के एरिया है। तो अगर नोएडा की एरिया देखें तो सेक्टर्स में है, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ मान लीजिए, और दिल्ली का जो एरिया है वो जोन में है, साउथ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल एंड हाँ ये रहने देते हैं, ये हो गया एनसीआर को देते हैं एनसीआर। अब यहां पे हम सिटी देते हैं, और अब सिटी के लिए तो हम डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट के अंदर और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां हमारा एरिया, तो मैं चाहता हूं जब मैं दिल्ली नोएडा सिलेक्ट किया तो यहां पे नोएडा का आना चाहिए, तो कैसे आएगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं सबसे पहले नेमिंग में। तो फॉर्मूला में हमने इसको नेमिंग मेथड डिफाइन नेम में गया, और डिफाइन नेम में हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया नोएडा, सेम जो यहाँ नाम है वही सिलेक्ट करना है नोएडा, और इसको सिलेक्ट कर लिया दिल्ली। अब यहां पे हम आते हैं डेटा वैलिडेशन लिस्ट पे आते हैं, और इस लिस्ट में इक्वल हम करते हैं इनडायरेक्ट, और हमने सेलेक्ट किया किसको, इसको मतलब नोएडा। अब नोएडा होगा तो इनडायरेक्ट नोएडा नाम का जो जो ये है नेम है वहां पे फॉरवर्ड कर दिया फॉरवर्ड, और यहां पे हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो दिल्ली कर दिया, ठीक है सर। तो डेटा वैलिडेशन हुआ।